पर्पल आइलैंड, वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंड मोस्ट पीसफुल प्लेस इन कतर। अगर आप कतर में हो कि किसी खूबसूरत और नेचुरल पीसफुल जगह विजिट करना चाहता है, तो मैं आपके लिए ये रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर ये जगह विजिट करें। और जो लोग कतर के बाहर है, उन लोग भी हमारे जिस वीडियो के ज़रिए पर्पल आइलैंड की ब्यूटी और नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। जो लोग कतर में है, उनसे मोस्टली लोगों को ये जगह के बारे में पता होगा, क्योंकि मैं देखा है काफ़ी लोग यहाँ आते भी हैं। लेकिन जिन लोगों को अगर नहीं पता होगा, तो मैं ये बता दूं कि ये अलकोर में है। अलकोर से आपको अलतकीरा रोड में जाना होंगे, उधर से अलमीरा मार्केट से राइट लेना पड़ेगा, गानम आइलैंड की डायरेक्शन बोर्ड मिलेंगे आपको, क्योंकि पर्पल आइलैंड गानम आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जाने के लिए कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं और मेरे दोस्तों ने अर्ली मॉर्निंग का टाइम में गया था, क्योंकि हमें सनराइज एंजॉय करने का था। आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी वक्त में जा सकता है, लेकिन अगर नेचर ब्यूटी को फील करना हो तो मॉर्निंग का वक्त सबसे बेस्ट है। जब हम गए, खूबसूरत सनराइज, वेरी काम वाटर, जॉयफुल बर्ड्स का साउंड, जो दिल को और दिमाग को बहुत सुकून देता है। यहाँ पे विजिट करना और नेचुरल ब्यूटी को फील करना किसी मेडिटेशन से कम नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स या प्यार करने वालों के साथ एक बार ये जगह को ज़रूर विजिट करें। मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी ये जगह बहुत पसंद आएंगी। मैं एक ज़रूरी बात बोलना चाहता हूँ, मैं एक साउथ इंडिया से हूँ, इसलिए मेरी हिंदी उतनी क्लियर नहीं आता है। आई होप आप लोगों मेरे बात को समझ के मुझे सपोर्ट करेंगे। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। जो लोग इस जगह को विजिट करके आए हो, अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करना। और जो लोग ने कतर के बाहर से वीडियो देख रहा है, वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में शेयर करो, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना। नया एक वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।